आदरणीय सभापति जी, मैं सबसे पहले सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य लाभ के बाद हमारे अरुण जी भी आज हम सबके बीच हैं। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और उस पड़ाव में बलिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1857 का स्वतंत्र संग्राम से लेकर के बलिया आजादी की लड़त, क्रांति के बिगल बजाने में, जीवन न्योछावर करने में अग्रिम पंक्ति में रहा था। मंगल पांडे जी हो, चित्तू पांडे जी हो और चंद्रशेखर जी तक की एक परंपरा, और उसी कड़ी में एक थे हरिवंश जी। जन्म तो उनका हुआ जयप्रकाश जी के गांव में और आज भी उस गांव से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी के सपनों को साकार करने के लिए जो ट्रस्ट चल रहा है उसके ट्रस्टी के रूप में भी काम कर रहे हैं। हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और मेरे लिए यह भी खुशी है कि वो बनारस के विद्यार्थी रहे थे, उनकी दीक्षा बनारस में हुई और वहीं से अर्थशास्त्र में एमए कर करके वो आए और रिजर्व बैंक ने उनको पसंद किया था लेकिन उन्होंने रिजर्व बैंक को पसंद नहीं किया। लेकिन बाद में घर की कुछ स्थितियों के कारण वो नेशनलाइज बैंक में काम करने लगे। सभापति जी, आपको जानकर के खुशी होगी कि उन्होंने जीवन के 2 महत्वपूर्ण 2 साल हैदराबाद में काम किया था। कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, लेकिन एक चकाचौंध बड़े बड़े शहर हरिवंश जी को नहीं भाए। वो कलकत्ता चले गए थे रविवार के अखबार में काम करने के लिए और हम लोग जानते हैं एसपी सिंह नाम बड़ा एक टीवी की दुनिया में एक पहचान बनी थी, उनके साथ उन्होंने काम किया और एक ट्रेनी के रूप में, पत्रकार के रूप में धर्मवीर भारती जी के साथ काम किया। जीवन की शुरुआत वहां से की, धर्मयुग के साथ जुड़ करके काम किया, दिल्ली में चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, चंद्रशेखर जी के चहेते थे और पद की गरिमा और वैल्यूज के संबंध में कुछ विशेषताएं होती है इंसान की। चंद्रशेखर जी के साथ वो उस पद पर थे जहां उनको सब जानकारियां थी। चंद्रशेखर जी इस्तीफा देने वाले थे ये बात उनको पहले से पता थी, वे स्वयं एक अखबार से जुड़े थे, वो पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े थे, लेकिन खुद के अखबार तो को भी भनक नहीं आने दी कि चंद्रशेखर जी इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाते हुए सीक्रेट को मेंटेन किया था, अपने अखबार में खबर छप जाए और अखबार की वाहवाही हो जाए कि उन्होंने होने नहीं दी थी। हरिवंश जी रविवार में गए, बाद में तब तो संयुक्त बिहार था, बाद में झारखंड बना, वो रांची चले गए और प्रभात खबर के लिए, और जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उसका सर्कुलेशन सिर्फ 400 का था। जिसके जीवन में इतने अवसर हो, बैंक में जाए तो वहां अवसर था, प्रतिभावान व्यक्तित्व था, लेकिन उन्होंने अपने आप को 400 सर्कुलेशन वाले अखबार के साथ अपने आप को खपा दिया।
चार दशक की पत्रकारिता यात्रा, समर्पित पत्रकारिता यात्रा, और वो पत्रकारिता जो समाज कारण से जुड़ी हुई थी, राजकारण से नहीं। और मैं मानता हूं हरिवंश जी के युग की ये सबसे बड़ा योगदान होगा कि वो समाज कारण की पत्रकारिता के पुरोगा रहे और उन्होंने राजकारण वाली पत्रिका से अपने आप को बहुत दूर रखा। वे जन आंदोलन के रूप में अखबार को चलाते थे और जब परमवीर एल्बर्ट एंका देश के लिए शहीद हुए थे, एक बार अखबार में खबर आई कि उनकी पत्नी बहुत बेहाल जिंदगी गुजार रही, 20 साल पहले की बात है। हरिवंश जी ने जिम्मा लिया, हरिवंश जी ने लोगों से धन इकट्ठा किया और 4 लाख रुपए इकट्ठा करके उस शहीद की पत्नी को पहुंचा करके एक बार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नक्सलाइट उठा गए। हरिवंश जी अपने अखबार के जो भी स्रोत थे उनके माध्यमों से हिम्मत के साथ नक्सलियों के बेल्ट में चले गए, लोगों को समझाया बुझाया, आखिरकार उसे छुड़ा करके ले आए, अपनी जिंदगी दांव पे लगा। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने किताबें पढ़ी भी बहुत, किताबें लिखी भी बहुत, और मैं समझता हूं कि अखबार चलाना, पत्रकारों से काम लेना, ये तो शायद सरल रहेगा। समाज कारण वाली दुनिया उसका अनुभव एक है, राजकारण वाली दुनिया का अनुभव दूसरा है। एक सांसद के रूप में आपने सफल कार्यकाल के अनुभव सबको कराया है, लेकिन ज्यादातर ये सदन का हाल ये है कि जहां खिलाड़ियों से ज्यादा एम्पायर परेशान रहते हैं, और इसलिए नियमों में खेलने के लिए सबको मजबूर करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन हरिवंश जी जरूर इस काम को पूरा करेंगे। हरिवंश जी की श्रीमती जी आशा जी, वो स्वयं चंपारण से है, यानी एक प्रकार से पूरा परिवार कहीं जेपी से तो कभी गांधी से, और वो भी एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो उनका एकेडमिक नॉलेज शायद अब ज्यादा आपको मदद करेगा। और मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी, उधर हो इधर हो, सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी। ये चुनाव ऐसा था जिसमें दोनों तरफ हरि थे, लेकिन एक के आगे बीके था, बीके हरि, कोई ना बीके, और इधर थे उनके ऊपर आगे कोई बीके बीके नहीं था। लेकिन मैं बीके हरिप्रसाद जी को भी लोकतंत्र की गरिमा के लिए अपने दायित्व को निभाते हुए, और सब कह रहे थे भी परिणाम पता है लेकिन प्रक्रिया करेंगे, तो काफी नए लोगों की ट्रेनिंग भी हो गई होगी वोट वोट डालने की। तो मैं सदन के सभी महानुभावों का, सभी आदरणीय सदस्यों का इस पूरी प्रक्रिया को बहुत उत्तम तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, और उपसभापति जी को मुझे विश्वास है कि उनका अनुभव, उनका समाज कारण के प्रति समर्पण, और हरिवंश जी की एक विशेषता थी, उन्होंने कॉलम चलाई थी अपने अखबार में हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, तब तो उनको भी पता नहीं था कि वो एमपी बनेंगे, तो एमपी कैसा होना चाहिए इसकी बड़ी मुहिम चलाई थी। मैं जानता हूं कि उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने का एक बड़ा अवसर उनको मिला है कि हम सभी सांसदों को वो भी ट्रेनिंग आपके माध्यम से मिलेगी, और जिस दशरथ मांझी की चर्चा आज कभी कभी हिंदुस्तान में सुनाई देती है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उस दशरथ मांझी की कथा को ढूंढ ढांड करके पहली बार किसी ने प्रकट किया था तो हरिवंश बाबू ने कहा था। यानी समाज के बिल्कुल नीचे के स्तर के लोगों से जुड़े हुए
महानुभाव आज हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।